दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट या फिर ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो आज के मैच से जुड़ी हर प्लेयर की अपडेट और बेस्ट टीम के लिए ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप फ्री में टिप्स और बेस्ट टीम देख सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं आज होने वाले आईपीएल 2018 के 91 मैच की, जो कि होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। बैंगलोर में होगा ये मैच। बात करें दोस्तों दोनों ही टीम की, तो सनराइजर्स हैदराबाद ऑलरेडी जो है प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और टॉप टू में भी उनका आना बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। वहीं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो अभी भी प्लेऑफ में जा सकते हैं। उनके लिए उन्हें अगले दोनों मैच जीतने होंगे और आज का मैच जो है उनके लिए डू और डाई का मैच होने वाला है। दोनों टीम के हेड टू हेड की अगर बात करें तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीती है सिर्फ 4 बार और सनराइजर्स हैदराबाद जीती है 7 बार। 11 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 की, और सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। तो दोस्तों ब्रेंडन मैकलम और वॉशिंगटन सुंदर जो है वो नेट्स में जो एडिशनल सेशन होता है प्रैक्टिस का वो करते हुए नजर आए, तो ऐसे में इन्हें मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कोई चेंज करे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बात करें प्लेइंग 11 की तो पार्थिव पटेल और विराट कोहली आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उनके बाद होंगे एबी डिविलियर्स, उनके बाद मनदीप सिंह, उनके बाद होंगे दोस्तों सरफराज खान, उनके बाद आएंगे मोइन अली। बात करें अगले प्लेयर की तो वो होंगे कॉलिन डी ग्रैंडहोम। उनके बाद अगर बॉलर्स की बात करें तो टीम साउदी उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और युजविंदर चहल, ये होने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11। एक दो चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो ऑलरेडी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और ऐसे में जो है दोस्तों चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यूसुफ पठान की अगर बात करें तो अभी तक पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं, तो आज एक और बार वो जो है बाहर बैठ सकते हैं। वहीं दोस्तों रिद्धिमान शाह जो है वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए नेट्स में, आपको बता दें कि वो इंजर्ड थे जिसके कारण उन्होंने पिछले मैचेस जो है वो मिस किए हैं, तो ऐसे में आज जो है रिद्धिमान शाह आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बात करें प्लेइंग 11 की तो शिखर धवन और एलेक्स हेल्स आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। उनके बाद होंगे केन विलियमसन, उनके बाद होंगे दोस्तों मनीष पांडे, उनके बाद होंगे दीपक हुडा, उनके बाद साकिब अल हसन, उनके बाद यहां पर रिद्धिमान शाह आ सकते हैं गोस्वामी की जगह पर। बॉलर्स की बात करें तो राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा। एक चेंज यहां पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है अगर बाशिल थम्पी को मौका मिले, क्योंकि पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है ये टीम। दोस्तों ये हो सकती है दोनों ही टीम की प्लेइंग 11। बात करें विन प्रेडिक्शन की तो यहां पर दोस्तों मैं चाहूंगा कि आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीते और प्लेऑफ की रेस जो है वो बनी रहे, और मेरे को लग भी रहा है कि दोस्तों आज जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीत सकती है मैच, क्योंकि उनके लिए जो है डू और डाई का मैच ये होने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।